सो व्हाट्सअप गाइस, आज की इस ब्यूटीफुल हॉट कमाल की वीडियो में तुम्हारा भाई बताएगा कि आप जो है अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को कैसे पजल से प्रोफेशनल कर सकते हो। तो गाइस करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले भाई का नाम जान लो, मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हैं सुल्लू की टैग। सो गाइस इस वीडियो के मैं लास्ट में जो है आपको पर्सनल से प्रोफेशनल अकाउंट के फ़ायदे बता दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो करते बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू। सो वैसे आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है। एंड गाइस इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने पेज पर जाना है, यानी आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आप मेरे प्रोफाइल को अभी देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। सो गाइस मैं इसके फ़ायदे जो है बाद में बताऊँगा, पहले आप इसे पूरे वीडियो को देखना है एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। सो गाइस एडिट प्रोफाइल के अलावा यहाँ पर आपको कुछ दिखने लगा एंड पर्सनल से प्रोफेशनल अकाउंट के बाद यहाँ पे सब कुछ आपको क्लियरली से दिखेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको राइट साइड में एक थ्री लाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। एंड गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, तो आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक अकाउंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली उस पर भी क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसको कुछ नहीं करना है एंड सिंपली आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे स्विच टू पर्सनल फिर प्रोफेशनल अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। सो आपको करना क्या है, कंटिन्यू फिर कंटिन्यू फिर कंटिन्यू फिर कंटिन्यू। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करने को मिल जाएगा। सो गाइस अगर आप बिजनेसमैन है या फिर कोई सा डांसर सिंगर है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट जैसे कि ब्लॉगर, आप अगर ब्लॉग बनाते हो कम्युनिटी आर्टिस्ट और डांसर राइटर, अगर आप गेमर हो तो गेमर, फोटोशॉप टेल्स, वीडियो क्रिएटर। सो मैं एक आर्टिस्ट यानी वीडियो क्रिएटर, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया वीडियो क्रिएटर। अगर आप यहाँ पर कोई सी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो आपको सर्च बार में आपको उसको लिख के आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल आपको इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली डन करना है। डन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ 30 सेकंड का वेट आपको लगेगा, तो गाइस 30 सेकंड तक हम वेट कर लेंगे। सो गाइस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एंड गाइस 30 सेकंड के बाद जो है यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक करेंट और एक बिजनेस। सो गाइस मैं आपको क्रिएटर बता दूं, अगर आप वीडियो क्रिएटर हो, आर्टिस्ट हो, फोटोग्राफर हो या फिर कुछ एडिटर हो तो आपको क्या करना है, क्रिएटर। अब अगर आप बिजनेस हो, मतलब आपका जो कारोबार है इंस्टाग्राम से चलता है, जैसे कि कोई प्रोफाइल मतलब आपको जो है मतलब फैशन का प्रोफाइल है, आप उसे डिलीवरी करना चाहते हो, तो करना क्या आपको सिर्फ बिजनेस पे क्लियर। सो मैं एक वीडियोग्राफर हूँ, फोटोग्राफर हूँ, वीडियो क्रिएटर हूँ, तो मैं सिंपली क्रिएटर हूँ, तो आपको क्रिएटर सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 1/4 स्टेप कंप्लीट करना होगा, तो आपको करना क्या है, गेट इंप्रेस पे क्लिक करना है सबसे पहले पे। एंड यहाँ पे आपको राइट साइड में कोने पे आपको ओके का बटन, आप तो उस पर क्लिक कर देना। एंड ग्रो टू इंट्रोडक्ट आपको उस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से कट आ देना। एंड लास्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कट का ऑप्शन आया, तो आपको सिंपली इसे कट कर देना। कट करने के बाद आप देख सकते हो कि पहले जो है सिर्फ एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा था, एंड यहाँ पर आप वीडियो क्रिएटर, एडिट प्रोफाइल, एड टूल्स और इंटाइस का ऑप्शन सब कुछ आ रहा है। सो गाइस आप जो है इस तरह से अपने इंस्टाग्राम को पर्सनल से प्रोफेशनल कर सकते हो। सो गाइस अब इसके आगे मैं आपको फ़ायदे बताने वाला हूँ कि फ़ायदा क्या है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो गाइस इंस्टाग्राम के जो पर्सनल से प्रोफेशनल अकाउंट के जो फ़ायदे, यहाँ पे आप देख सकते हो इन टाइप्स का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपके महीने में जैसे 7 दिन में आप कितने से कितने अकाउंट पर, मतलब कितने बंदों ने आपके अकाउंट पर रीच किया, कितने बच्चे प्रोफाइल ऑन किए, कितने यूज़र ने आपकी वीडियो को लाइक की, कितने यूज़र ने आपकी वीडियो को शेयर किया एंड टोटल फॉलोवर आपके 7 दिन में कितने इंक्रीज हुए। सो गाइस दूसरा फायदा ये है कि आप यहाँ पे जो आपको से एक ऐड टूल्स का ऑप्शन दिखेगा। सो गाइस ऐड टूल से होता ये है कि आप जो है अपने इंस्टाग्राम का जो आईडी है एंड पोस्ट रील्स है उसे आप प्रमोट कर सकते हो, कुछ रुपए देके उस पर जो है लाइक इंक्रीज फॉलोस कर सकते हो। सो गाइस आपको जो तीसरा फायदा वो ये है कि आप जो अपने व्यूज या फिर फोटो का जो बूस्ट है आप यहाँ पर इंक्रीज करके यहाँ पर देख सकते हो।
कि यहाँ पर मतलब कितने लोगों ने आपको फोटोज को रीच किया, कितने लोगों ने आपको फोटो को देखा है, कितने लोगों ने इस फोटो को शेयर किया, कितने लोगों ने आपको फोटो को शेयर किया है। सो आप इस तरह से अपने इंस्टाग्राम के पर्सनल से प्रोफेशनल अकाउंट के फायदे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू अगेन।